अरे एक गिलास दे दे पानी पूछना क्या आदत थी सर बातें माने तो जादू एक कला जो कि बहुत सी कलाओं में से ललित कला में से एक कला है जादू की कला जो कि आज के समय में लुप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले एंटरटेनमेंट के इतने साधन नहीं थे जितने कि आज के समय में यहाँ पर। वो क्या, आजकल मीडिया, हर किसी के पास मोबाइल, घर घर में टीवी, डिश, हर चीज़ अवेलेबल है। जिसमें वो भी समय था कभी कि जादू को इतना क्रेज था कि मतलब जब दूर दूर तक गांव गांव तक पता होता कि जादूगर आया हुआ है, दूर दूर से लोग जादू के लिए दौड़ उठते थे। लेकिन आज बताना पड़ता जी हमारे घर में जादूगर आया, बोले ये तो हमने यूट्यूब पे देखा है, ऐसा देखा है, ऐसा करते हैं। इसी तरह से कला मतलब इस तरह से लुप्त होती जा रही है। अगर इसी तरह होता रहा तो आने वाले कुछ समय बाद जादू की मतलब जादू का जो नाम है दुनिया से चला जाए। तो इसको बचाने के लिए हम जादूगर लोग बहुत से प्रयास कर रहे हैं कि हम इस कला को खत्म ना हो। अगर सर इंडिया की बात करें तो छोटे और बड़े सब मिला करके जो मोस्ट मतलब कि टॉप पर है तकरीबन 50 नेशन अपने पूरे इंडिया जी। जी सर एक्चुअली जब मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे इस जादू का एक बहुत अजीब शौक हुआ। आपको से वो शौक कैसे हुआ? एक्चुअली कभी ऐसा होता कि हमारे स्कूलों में जादूगर आते थे और साल में एक बार हमारे स्कूल में शो होता। जब भी उनका शो होता तो मैंने उनसे बोला, अंकल जी आप ये कबूतर कैसे बनाते हैं, आप नोटों के बरसात कैसे करते हैं, मेरे को भी सिखाइए। बच्चे होते थे भाई, सबका मन करता है हम भी कुछ सीखें, तो मेरा ही मन करता था। तो बोले बेटा आप छोटे हैं, आप स्टडी कीजिए, उसके बाद आप सीखिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, वो भी ऐसा होगा। तो एक समय ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जादूगर सम्राट शंकर जी का शो लगा 1996 उपलाना मंडी। और 1996 जब उनका शो था तो मेरे अंकल जी वहाँ पे एसडी ओम प्रकाश रोहिला जी थे, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की, अंकल जी मुझे भी जादू का मतलब कुछ शौक है, मेरे को आपकी थोड़ी चलती है, मेरे को इनके साथ भेज दीजिए। तो उन्होंने उनसे मतलब विनती की भी इनको थोड़ा शौक है, भाई आप उस समय अपने साथ दीजिए। लेकिन हमें वहाँ पर मनाई हुई, बोले बेटा आप छोटे हो। उसके बाद हम अपने शहर के एक सर मैं उस वक्त सिक्स क्लास में था, सिक्स में था, और उस वक्त हमारे शहर में एक जाने माने जादूगर थे हनुमान सोने से, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हर एक आइटम को बारीकी से सिखाया। वहाँ से मेरी जादू कला का निर्माण शुरू हुआ। और उसके बाद जब मेरी शुरुआत हुई जादू की दुनिया में, स्कूलों से शुरुआत मैंने की, स्कूलों में छोटे मोटे शो दिखाते दिखाते 3 साल हो गए। और 3 साल में मतलब कि 2005 का सत्र शुरू हुआ। 2005 में मेरा पहला शो मंडी आदमपुर में खेला, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए यादगार रही। और उस शो ने मुझे इतना पॉपुलर कर दिया कि आपका भाई इस दुनिया पे मतलब छाने लगा। कितने शो कर चुका हूँ सर अभी तक मैं इस 32 साल की एज में 16,000 प्लस शो क्रॉस कर चुका हूँ, छोटे बड़े कुल मिला करके मेरे 16,000 शो क्रॉस हो चुके हैं। सर जादू नाम की तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि योग और साधना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पत्थर को भी पिघला देती है। वो योग की शक्ति होती है जिसको सम्मोहन किया कहा जाता है। अगर अब बहुत से लोग एक बात उठाते हैं कि जादूगर साहब आप लड़की को काट देते हैं, 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, तो जिंदा कैसे हो जाती है? इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वो लड़की असली में कट जाए तो लड़की दोबारा जिंदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो डॉक्टर के बस की बात नहीं है। हालांकि हम तो छोटे से कलाकार हैं, क्योंकि जादू एक कला है, कुछ भी नहीं, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, योग और साधना। जादू जितनी भी जैसे आपके एक्ट होते हैं जी, इन सभी में सम्मोहन होता है या कुछ में आपकी वो सर आप इसमें मान के चलिए कि 50% सम्मोहन और 50% हाथ की सफाई का जादूगर लोग प्रयोग करते हैं। कुछ जादू करके दिखाओ ना। जी हाँ जरूर, आपने क्वेश्चन किया कि जादू करके दिखाइए, तो हम आपके एक पे मतलब जादू का कोई भी मुझे 10 या 20 का कोई भी नोट दीजिए, 10 या 20 कोई भी नोट दे दीजिए मुझे जी। थैंक यू, क्या बात है सर, ने मुझे 10 का नोट दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं, आपके सामने सिंपल बैठा हूँ, और जब से आया हूँ बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ।
सबसे पहले मैं अपने बाजू को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, संभाल लेता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अपने हाथ को थोड़ा ऐसे करूँगा, थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे घुमाऊंगा नोट को, थोड़ा ऐसे घुमाऊंगा और घुमाने के बाद नोट को ऐसे ऐसे खोलूंगा, तो नोट देखते देखते कलर चेंज होकर 10 का नोट 200 का हो जाएगा। सर चेक कीजिएगा नोट असली के नकली, बिल्कुल साथ में चेक करवाइए सर को भी। जी सर कैसा लगा? मतलब अच्छा सर, देखिए जादू की दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, मतलब कभी कोई किसी का बुरा करते हैं, बोलते हैं तांत्रिक विद्या दुनिया में, देखिए कोई कहता है कि कुछ भी नहीं है, और बहुत कहते हैं कि भगवान है तो भूत प्रेत भी है, भूत प्रेत है तो दैविक शक्तियां भी हैं, क्योंकि बुराई जहां जहां होगी अच्छाई वहां वहां अवतार लेगी ही लेगी। मानो तो एक पत्थर में भगवान बसते हैं, एक पत्थर पे विश्वास कीजिए उसमें भगवान बन जाते हैं। तो जैसे देखो कि मैं आपने बोला कि जादू दिखाइए, तो मैंने 10 का नोट 200 का बनाया, तो आप इस 200 के नोट को जरा गौर से देखिए। मैं कुछ नहीं करता, हाथों को ऐसे हिलाता हूँ, जरा और हिलाता हूँ, जैसे जैसे मेरा हाथ हिलता है, जरा और देखिए, जरा और करीब से देखिए मेरा हाथ किस तरह से हिल रहा है। जैसे जैसे मेरा हाथ हिलेगा हिलेगा हिलेगा, मेरा हाथ हिलते हिलते नोटों की बरसात होगी। किस तरह की रैली जो आज आप निकाल रहे हैं, किस तरह से क्या रूट रहेगा इसका, कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे आप इसको, इसका उद्देश्य क्या है? सर मेन रैली किस लिए निकाल जाती है, रैली का मेन पहला उद्देश्य तो ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके शहर में कुछ होने जा रहा है, भी कुछ अनोखा करके दिखाने वाले हैं हम आपके शहर में। एक्चुअली हिसार डिस्ट्रिक्ट का होते हुए मैं हमारा एक्चुअली अपना ही कहूँगा, हाँसी भी मेरा ही शहर है, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट हिसार ही है, मैं कहीं दूर से नहीं उकलाना मंडी से, और इतना करीब होते हुए मैं हाँसी में इतने साल में पहली बार अपना ये कारनामा दिखा रहा हूँ। और इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब जो मेरा मेन मैसेज है ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के लिए, जैसे कि आज मैं आपके सामने आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाऊंगा, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पट्टियां बनने वाली है, जो कि होंडा एजेंसी की तरफ से मैं ये बाइक चलाऊंगा, जो कि मेरी मन प्रिय बाइक है होंडा बाइक। चौधरी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो इन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया यहाँ पर। और मेरा मेन मैसेज ऑडियंस के लिए कि जब भी कोई ट्रैफिक में जाए अपने नियमों का पालन करें, अगर बाइक सवार है तो हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि घटना कभी भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है, क्योंकि आप जितनी लापरवाही बरतेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। बस ये मैसेज हर घर तक पहुंचना चाहिए कि जब भी रोड पे निकले सेफ ड्राइव और अच्छी ड्राइव। जी सर हाँ जरूर बताऊंगा इस बारे में भी कि मतलब मैं इंडिया में नहीं, अपने दो तीन जगह मैं विदेशों में भी गया हूँ सर, ईस्ट अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका और बेल्जियम, जहाँ की मैं अपने हिंदू सभ्यता समिति के लिए शो कर चुका हूँ। सर देखिए आपका भाई भी उनमें से एक है, आप बोलते हैं फॉरेन के मैजिशियन ऐसा करते हैं, तो आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपका ये भाई भी कुछ पीछे नहीं है, फॉरेनर स्टाइल मैंने कुछ अपनाया हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इंडिया के रीति रिवाज जो हमारे हैं उनको तो मैं छोड़ नहीं सकता। फॉरनर स्टाइल भी आपको मैं अपना दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं खाली हाथों से म्यूजिक ऑन होते किस तरह से क्या क्या बरसात करता हूँ, कभी छतरी हवा में आ रही है तो कभी फ्लावर हवा में आ रही है, कभी कुछ हवा में लहर रहा है 15 मिनट तक नॉन स्टॉप, कभी कबूतर कभी छतरी कभी पैसे कभी क्या मेरे हाथों से आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि फॉरनर एक्ट मैंने 2 साल पहले ही शुरू किया है, इसके मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली और वो भी मतलब कि बाहर जाकर। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि चौधरी होंडा का मुझे बहुत ज्यादा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, तो चौधरी होंडा की जो एक मनप्रिय बाइक है जिस पर मैं ऑडियंस के सामने अपने स्टेज पर बैठूंगा और देखते ही देखते सबके सामने मैं वहां से गायब हो जाऊंगा। देखने की बात यह है कि जादूगर देखते देखते गए कहाँ, लेकिन बाइक सवार जादूगर आप लोग के बीच में हूँ, मेरा सबसे बड़ा आइटम जो कि आपके बीच दिखाया जाएगा। उसके बाद
जो एक और ले लीजिए लड़की पग पग गोरिल्ला बन जाती है, क्या शायद आपने ऐसा देखा होगा? नहीं। और इतना ही नहीं, एक लड़की के पेट में से बाला आए पर कैसे करूंगा वो भी कारनामा अपनी आंखों के सामने देखेगा। लड़की को इलास्टिक यानी कि रबड़ का पुतला कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको वही दिखाऊंगा। ऐसा ही नहीं, ऐसे आइटम मेरे पास बहुत है, जापान से लाए 3 भूत जिसको नाम दिया गया है 3 गोस्ट। तो ऐसे ऐसे अनेक हैरतअंगेज कारनामे अपने हासी शहरवासियों के लिए मैं लेकर आया हूँ जो जिंदगी में शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। थैंक यू सर। अच्छा देखिए, एक बाइक इनसे को दे दीजिएगा, इनको और एक अमर, हमारे बंदे रहेंगे 4, बाकी आप मुझे कोई चीज आर पार दिखाई दे, कोई लेंस वगैरह, कोई लेंस नहीं, कोई सिस्टम मैंने ऐसा लगा रखा कि मुझे ठीक बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ओके। चार हजार आलमी का साइन खड़ी है, तीसरी आंख तो निकल रखी शंकर भगवान की डाल है भाई साहब, शंकर भगवान की डाल तीसरी आंख तो नहीं खुल गई। भाई राखी भाई ये ले ले, पक्का काम कर रही है, चेक कर ले दाव। अरे दाव चेक कर ले, अरे की में सुराख हो रहे हो या तीसरी आग चेक कर ली है शंकर भगवान की तरह ना। ऐसे है बात सुनो, जादू को रजमा एक नंबर का आदमी, आई बात समझ में? और यो जम्मा लो का है भाई, इसमें देखे कुछ भी और किसे भाई का बैम हो तो उसका बांध दे, पहले बात से इसका बांध देंगे। जो एक और दांव देख ली है, लड़सा डाल दे, डाल दे, डाल दे, आगे लड़ जा भाई। हेलो पूरा नहीं कर ले भाई, मो भाई बात सुन ले यार, या प्लेट बांधी या बांधी, इसमें क्या कौन दिखे, वीडियो बांधे मैं जुगाड़ तो दिखने का खाना ही नहीं। देखो सच्चाई है भाई, किसी भाई का बहम हो तो पैसे का मेट लियो, मन तो लिया मेरे ला मेट, किसी का रह रहा हो तो मेट लियो। हमने तो नू लग है कि पहले तो लोह की पत्री देखो और फिर यो काड़ा इसको ऊपर लगाने खातर है और फिर यो मतलब खाना ही नहीं है भाई। बनवा लो भाई साहब, करो जी करो, पक्का काम करवा लो साहब। सही बात है, दिक्कत है चलो भाई आगे बात चना करती है, राखी देखना को देखना नहीं, राखी पक्की काम कर दी है, आगे बात चना करती है, ऊपर नीचे देख कर दिक्कत है ना। अब फिट है जमा, हेलो जी, हेलो चाबी ले लो, चाबी ले लो, कोई ज्यादा देख रहा है।
आदर्श पैलेस, आदर्श पैलेस, आदर्श पैलेस।